नमस्ते दोस्तों, आज बनाएंगे हम मेकअप वाला केक। यह केक हम बनाएंगे 1.5 किलो पे, 1.5 किलो बटर स्कॉच पे। तो सबसे पहले हम लेयरिंग कर लेते हैं। मैं एक केक की लेयरिंग दिखा रहा हूँ। यह 1 किलो का रिंग का साइज है हमारा, और हम हल्का पका हुआ स्पंज से जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको निकाल लेते हैं हल्का। उसके बाद इसके 2 लेयर कर लिए मैंने, टोटल हमारी 3 लेयर हो गई हैं। तो हम सिर्फ डाल लेते हैं इस पर दोनों केकों पर, दोनों लेयरिंग पे, क्योंकि दो पे हम क्रीम डालेंगे और एक हम ऊपर रख लेंगे। मैं पाइपिंग से क्रीम डाल रहा हूँ, ये रिच कंपनी की हमारी रिच गोल्ड क्रीम है। हम अंदर आइसिंग में भी इसी को यूज करते हैं, और बाहर अंदर लेयरिंग में भी इसी को यूज करते हैं, और बाहर आइसिंग में भी इसी को यूज करते हैं। तो इसके बाद ये कैरेमल सॉस डाल रहा हूँ मैं, और हल्का बटर इसको दाना डाल लेते हैं हम ये दोनों लेयरिंग पे। उसके बाद ये जो दूसरी लेयर है इसको हम रख लेते हैं इसके ऊपर, और जो हमने जिस पे क्रीम नहीं डाली है वो रख लेते हैं ऊपर। तो हमारी लेयरिंग हो चुकी है। ऐसे ही हमने आधा किलो की एक की भी लेयरिंग करी है। अब आते हैं फोंडेंट पे। ये फोंडेंट की मैं लिपस्टिक बना रहा हूँ, बिल्कुल पतला फोंडेंट बेल के हाथ से उसको 2 कट कर लिए। नीचे वाली हिस्सा बना रहा हूँ लिपस्टिक का, और अब एक ब्रश बना लेता हूँ, इसको भी पतला कर लेते हैं लंबा, और कट कर लेंगे इसको भी। वो लंबा करके हम कट कर लेते हैं इसको, और इसका जो आगे का हिस्सा होता है उसको अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। पहले ब्लैक फोंडेंट का काम कर लेते हैं हम, जितना हमारा ब्लैक फोंडेंट का काम है वो कर लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा बेल के इसमें से अपने जो मैक लिखते हैं हम, गोले होते हैं मैक के, उसको काट लेते हैं। मैं 3-4 गोले छोटे और 3-4 बड़े काट लेता हूँ इस पर। इसके ऊपर हम दूसरे कलर की लगाएंगे, और ये जो मैम किट होती है मैक किट, उसको भी काट लिया हूँ मैं चौरस, इसको भी बाद में करेंगे। अब छोटे गोले काट लेते हैं मैक किट के लिए पहले, और जो हमने बड़े गोले काट रखे हैं उसमें हम लगाएंगे अभी बड़े वाले गोले। तो लिपस्टिक का ऊपर का हिस्सा बना रहा हूँ अब मैं। रेड फोंडेंट को पतला कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको ऊपर से नीचे साइड को काटेंगे, और हल्का इसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बराबर काट लेंगे। तो हमारी लिपस्टिक बन गई। और ये मैक के गोले काट रहा हूँ मैं, जो हमने पहले गोले काटे हैं उसके ऊपर लगाएंगे हम छोटे छोटे गोले। और जो ब्रश है ब्रश का हिस्सा बना रहा हूँ अभी, ब्रश के हिस्से को हल्का आगे का हिस्सा दबा लेना है, और चाकू से निशान बना लेने हैं ब्रश के जैसे छोटे छोटे करके। उसके बाद हम इसको ब्रश पे लगा लेते हैं, और ये पिंक कलर की भी हम मैक काट लेते हैं, और पिंक कलर की लिपस्टिक भी बनानी है, एक रेड कलर की और एक पिंक कलर की। तो इसको भी हम हल्का ऊपर से नीचे को ही काटेंगे, और नीचे के हिस्से को बराबर काट के इसको भी लगा देंगे अभी। और जो छोटे छोटे गोले काट रहे हैं हमने मैक किट के लिए, इसको लगा लेते हैं हम पहले। इसके बाद जो हमारा ये वो साइड का हिस्सा है उसको कट कर लेते हैं नाइफ से, और हमारे ये मैक किट बन गई है। इसके बीच में हल्का नाइफ से निशान लगा लेते हैं, क्योंकि इससे इसका लुक थोड़ा अच्छा आ जाता है। अब मैं ग्रे फोंडेंट ले रहा हूँ, और ये हम लिपस्टिक के बीच में लगाएंगे, और ब्रश के भी बीच में लगाएंगे। जो हमने ब्लैक फोंडेंट की लिपस्टिक बनाई थी सबसे पहले, उसको हल्का उसमें लगा लेते हैं इन दोनों को। उसके बाद जो रेड कलर की और पिंक कलर की लिपस्टिक का ऊपर का हिस्सा बनाया था उसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे हल्का पानी लगा के। तो हमारी पिंक कलर की लिपस्टिक बन चुकी है, और रेड कलर की भी बन चुकी है। तो अब हम ब्रश को भी रेडी कर लेते हैं। जो दूसरा ब्रश था हमारा, उसमें भी हमने ग्रे कलर लगाना था, और ऑरेंज कलर का तो मैं अभी बना चुका था, तो इसको भी रेडी कर लेते हैं। मैक किट का सामान रेडी हो गया है, और अब हम केक पे आइसिंग करते हैं। ये 1 किलो और 1/2 किलो का रिंग है हमारा, जिसकी हमने लेयरिंग की है। तो पहले हम 1 किलो पे कर लेते हैं आइसिंग। इस पे हम हल्का कच्चा क्रीम, कच्चा करने के लिए थोड़ा क्रीम लगा लेते हैं पहले, क्योंकि जो हमारा साइड का चूरा होता है वो केक पे नहीं आएगा इससे। तो हम हल्का हल्का कच्चा कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम करेंगे इस पे आइसिंग। आइसिंग करने के लिए क्रीम की वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपकी क्रीम सही नहीं हो रही है तो मैंने उस बारे में वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो उस पर। अगर आपकी क्रीम में दाने आते हैं या फट जाती है, या पुरानी क्रीम होती है जैसे 1 दिन पहले की, वो सही कैसे करते हैं वो भी डाल रखी है। तो हम बाकी हल्के हाथ से क्रीम लगा लेते हैं पहले, क्योंकि आइसिंग करना सबसे बढ़िया है, क्योंकि आइसिंग हमारी अच्छी होगी तो केक अच्छा बन जाएगा हमारा। तो हम आइसिंग थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है आइसिंग की, क्योंकि सारी वीडियो मैंने आइसिंग सब में आराम से ही दिखा रखा है। और कार्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा इस पर, क्योंकि कार्ड से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैं हल्के हाथों से इसको बराबर कर लेता हूँ, और हमारी केक के लिए आइसिंग हो चुकी है। हल्का हम बेस पे क्रीम लगा लेते हैं इस पर, और
यहाँ भी कार्ड मार लेते हैं और हल्का हल्का ड्रॉप मार लेते हैं इसमें बिना नोजल का, बिल्कुल हल्का कैंची से काट के। तो हमारा एक केक कैसिंग हो चुकी है और दूसरे केक कैसिंग भी हम वैसे ही करेंगे। पहले हल्का क्रीम लगा के इसको कच्चा कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्रीम डाल के फिर आइसिंग करेंगे। आइसिंग करते टाइम कोई क्रीम बार बार हाथ में ले लेता है उससे सही भी नहीं लगता, क्योंकि आइसिंग करोगे और क्रीम भी गंदी हो जाती है हाथ में। तो आप उसकी जगह ये कार्ड यूज करो या प्लेन नाइफ से उसको प्लेन कर लो पहले, उसके बाद फिर कार्ड मारो, उससे थोड़ा सफाई भी बढ़िया आती है। और जहाँ तक आप हाथ पे लेते हो वहाँ बॉल में भी यूज कर सकते हो, बॉल में डाल सकते हो क्रीम। तो हमारी इसके की भी ऐसे होगी। अब मैं हल्का कार्ड से इसको प्लेन कर लेता हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से कार्ड से प्लेन करना है इसको, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है। तो हमारे ये केक कैसे हो गए, तो हम इसको ऊपर रख लेते हैं अपने जो पहले आइसिंग की थी हमने, और इसके बाद इसमें भी हल्का साइड से ड्रॉप मार लेते हैं। और रेड डॉट लगा रहा हूँ मैं दोनों केकों पे रेड क्रीम के। तो अब सामान लगा लेते हैं हम केक पे। सबसे पहले हम मैक किट लगा लेते हैं, उसके बाद रेड लिपस्टिक ऊपर को लगा लेते हैं ऊपर साइड में, बाकी पिंक लिपस्टिक हमारी सेकंड फ्लोर पर लगा लेते हैं हम, और जो छोटे छोटे हमने मैक के वो कार्ड रखे हैं उसको भी लगा लेते हैं पूरे केक में, और हल्के बॉल डाल लेते हैं सिल्वर बॉल। तो हमारा केक रेडी हो चुका है 1.5 किलो का। तो दोस्तों कैसा होना हमारा केक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। राधे राधे।